बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टे होम स्टे सेफ। टुडे इज 11 मई 2020 एंड द डे इज मंडे। आज मैं क्लास 7 को सबसे पहले सोशल स्टडी की डायरी एक्सप्लेन करूंगी। आज हमारी सोशल स्टडी की डायरी है चैप्टर नंबर 3, मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। आज हम चैप्टर नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे। नाउ ओपन योर नोट्स। Here the chapter number 3 is main agricultural products of Muslim world, and the first word is agriculture, meaning zaraat, occupation, pesha, ordinary, aam, climate, abohawa, absorb, jazb karna, sweat, pasina, weaving, bunna, crushed, kuchalna, bush, jhaadi, smuggled, gair kanuni tarike se bhejna, brewing, शराब पैदा करना। हमारी स्टडी की डायरी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं आपको साइंस की डायरी एक्सप्लेन करूंगी। नाउ ओपन योर साइंस नोट्स एंड क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट हैपेंस व्हेन अ साल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद वाटर। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4। कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद वाटर H2O। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ अमल करेगा, CuO के साथ जाके ज्वाइन होगा, ये कॉपर ऑक्साइड बना देगा और यहाँ से H2SO4 सेपरेट हो जाएगा। H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7, इज सोडा वाटर एसिडिक और बेसिक। क्या सोडा वाटर जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। एंड द आंसर इज सोडा वाटर इज एसिडिक। सोडा वाटर एसिडिक है। द रीजन इज दैट, इसकी वजह ये है कि इट्स कॉन्टेन कार्बोनिक एसिड। ये क्या रखता है, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2CO3। फॉर्म्ड ये कब बनता है, व्हेन, जब CO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर H2O। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होती है, द CO2 आर द बबल्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बबल्स होते हैं दैट कम आउट, जो बाहर आते हैं, वेयर यू ओपन द सोडा कैन और बॉटल। जब भी आप सोडा कैन या कोई बॉटल ओपन करते हो। द क्वेश्चन नंबर 8 इज विच अल्कली इज कॉमनली यूज टू ओपन अ ड्रेन। कौन सी अल्कली यूज की जाती है ड्रेन को ओपन करने के लिए। एंड द आंसर इज NaOH और KOH इज कॉमनली यूज टू ओपन अ ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड वाटर। आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है जिसमें शो हो रहा हो कि अमोनिया रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और उससे क्या बन रहा है। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, वाटर का फॉर्मूला है H2O। व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद वाटर, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, यहाँ से H इस H के साथ ज्वाइन होगा, ये NH4 बना देगा और यहाँ से ये OH इसके साथ मिलके ये कंप्लीट बनेगा NH4OH, जो कि फॉर्मूला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। हमारी साइंस की डायरी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं आपको इंग्लिश ए की डायरी एक्सप्लेन करूंगी। और इंग्लिश ए में हमारा सबसे पहले है Review 1। Review 1 के अंदर सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन में आप लोगों को दो पैराग्राफ दिए गए हैं। पंक्चुएशन में आप लोगों ने ऐसे करना है कि जो आपको दो पैराग्राफ दिए गए हैं, प्रॉपर वे से उसको ऑर्गेनाइज करना है कि कहाँ पे आपका फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, कहाँ पे आपका सेंटेंस एंड हो रहा है, प्रॉपर इन्वर्टिस, कोमा, कैपिटल लेटर्स, ये सब कुछ आपने यूज़ करके आपने इसकी पंक्चुएशन करनी है। ये आपको सारा नोट्स में दिया गया है, आपने इसको प्रॉपर वे यूज़ करके इसको आपने रीराइट करना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गिव सिनोनिम्स ऑफ, या आपको कुछ सिनोनिम्स हैं आपने इनको बताना है कि इनके सिनोनिम्स क्या है, मीन के मुतरादिफ क्या हैं, हम आवाज़ अल्फाज क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मीन आज़ादी, जिसका सिनोनिम है फ्रीडम। परफॉर्म, परफॉर्म मीन अमल करना। एक्ट, डिलाइट, डिलाइट मीन खुशी। प्लेयर, रिटॉर्टेड मीन पलट कर जवाब देना। रिस्पोंडेड, अपियरेंस, ज़ाहरी सूरत हाल। आउटलुक, डिवेलप, तरक्की करना। प्रोग्रेस, पोस्चर, हालत मीन स्टाइल। पीसफुल, अमन, काम। माइस्टीरियसली, अजीब, स्ट्रेंजली। ऑक्यूपेशन, पेशा, प्रोफेशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको ब्लैंक्स दी गई हैं और यहाँ पर कुछ प्रपोजिशन हैं, ये यूज़ करके आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। एट, फ्रॉम, एट, ऑन, अप, टू, टू, द, एट। हमारी इंग्लिश की डायरी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं आपको मैथ्स की डायरी एक्सप्लेन करूंगी। आज की हमारी मैथ्स की डायरी है
Exercise number 10.1, question number 1. The following data displays the number of draws of different categories of bones. यहाँ पर आपको bones की different categories दी गई हैं. ये सारी आपकी bones की different categories हैं. Construct the frequency distribution table. आपने frequency distribution table draw करना है. जो data आपको given किया गया है. With 7 classes, आपको 7 classes दी गई हैं. Equal size और हर एक का जो size है. And class interval और आपको class interval 10 दिया गया है. ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जिसके अंदर आपकी क्लास इंटरवल्स है, क्लास बाउंड्रीज है, टैली है, फ्रीक्वेंसी है. सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन का स्टार्ट करना है. आपने इस क्वेश्चन के अंदर से स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी है. इस जो डेटा आपको दिया गया इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 31 और हाईएस्ट वैल्यू क्या है 99. अब आपको क्लास इंटरवल 10 का दिया गया है. अब आपने यहाँ से अपने क्लास इंटरवल को बनाना स्टार्ट करना है. स्मॉलेस्ट वैल्यू 31 से 10 तक आप लेकर चले तो 31 से 10 तक आप बनेगा आपका इंटरवल 40. यानी 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. अब नेक्स्ट आप यहाँ पर लोगे 41 और यहीं से 10 का डिफरेंस लेकर चलोगे. 10 आप 41 के अंदर ऐड करोगे यहाँ बनेगा 50. नेक्स्ट 51 से यहाँ आपका बनेगा 60. 61 से यहाँ आपको बनेगा 70. 71 से 80. 81 से 90. 91 से 100. देखिए आपके कितने क्लासेस बनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए आपने इन दोनों को यूज करना है. 41 में से 40 को माइनस करेंगे ये आपका 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. माइनस करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 0.5. अब आपने 0.5 को हर इस वाली वैल्यू में से फर्स्ट वाली वैल्यू में से माइनस करना है और नेक्स्ट वाली वैल्यू में ऐड करते जाना है. 31 में से माइनस करेंगे आपका आएगा 30.5 और 40 में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 40.5. इसी तरीके से 41 में से माइनस करेंगे तो 40.5 और यहां बनेगा 50.5. नेक्स्ट 51 में से माइनस करेंगे तो 50.5 यहां बनेगा 60.5. यहां आ जाएगा 60.5. नेक्स्ट आएगा 70.5. यहां आएगा 70.5 और 80.5. 80.5 90.5 और लास्ट वन बनेगी 90.5 तो यहाँ बनेगा 100.5. ये आपकी क्लास बाउंड्रीज है. क्लास बाउंड्रीज तो ये कि आपकी ये जो वैल्यूज हैं ये सेम आनी चाहिए. अब हम टैली मीन के शो करेंगे कि आपकी ये जो इंटरवल है इसके अंदर कितनी वैल्यूज मौजूद हैं. मतलब 31 से लेके 40 तक आपके डेटा के अंदर कितनी वैल्यूज आ रही है. अगर देखिए 31 से 35 एक वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू आपकी 38 आ रही है, 39 आ रही है, ये तीन वैल्यूज आ रही हैं आपकी. आप यहाँ पर शो करोगे 1, 2, 3 स्ट्रेट लाइन से शो करोगे. इसी तरीके से आपने नेक्स्ट सारी वैल्यूज 41 से लेके 50 तक कितनी वैल्यूज आ रही हैं वो आपने यहाँ से डेटा के अंदर से ढूंढ के तो वो आपने यहाँ पर इस तरीके से शो करोगे. नेक्स्ट आपकी आ रही है 2 वैल्यूज, आप उसको इस तरीके से लिखोगे. 50 से लेकर 60 तक आपकी आ रही है 8 वैल्यूज. अब 8 वैल्यूज को लिखने का क्या तरीका है, जब आपका 4 से अबव हो जाए तो आप उसको लिखोगे 1, 2, 3, 4 और जो 5 का लाइन होगी वो आप इस तरीके से इसके ऊपर ड्रा करोगे. अब क्योंकि 51 से लेकर 60 तक आपकी 8 वैल्यूज है तो आप इसको इस तरीके से शो करोगे. नेक्स्ट आपकी 11 वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 5 अगेन 1, 2, 3, 4, 5 ये 10 और ये 1, 11. इसके बाद आपकी 5 वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 5 और फिर आपकी 81 से लेके 90 तक 7 वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट में आपकी 4 वैल्यूज है 1, 2, 3, 4. ये आपका
वन से लिख दो कि आपकी कि ये वैल्यूज कितनी दफा आई है, क्योंकि ये थ्री था, यहाँ थ्री लिखोगे, ये टू, ये एट, यहाँ इलेवन, यहाँ फाइव, यहाँ सेवन, यहाँ फोर, ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अब आपने इसी टेबल को हिस्टोग्राम के ऊपर शो करना है। हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले आप ऐसे लाइंस ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। यहां पर आपकी क्लास बाउंड्रीज आएंगी। यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी, ये जीरो। आप इसको वन टू थ्री भी शो कर सकते हो और टू फोर इवन में भी शो कर सकते हो और में भी शो कर सकते हो। मैं इसको इवन में शो करूंगी, टू फोर सिक्स एट। मेरी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? इलेवन। मैं इस फ्रीक्वेंसी को यहां तक लेकर जाऊंगी कि मेरी ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर कंप्लीट हो जाए। 10, 12. अब मैं क्लास बाउंड्रीज को शो करूंगी। आपकी फर्स्ट वन क्लास बाउंड्री है 30.5, 40.5, 50.5, 60.5, 70.5, 80.5, 90.5, 100.5. अब आप देखें 30.5 और 40.5 तक आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी है? 3। आप कहां तक जाओगे? ये आपका 2 है, यहां मिड में लाइन कर रहा है 3, यहां से आप स्टार्ट करोगे, ये आएगा 40.5। अब नेक्स्ट है आपका 40.5 से लेके 50.5 तक आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 2। वो आपका 2 कहाँ शो हो रहा है? ये आप 40.5 से स्टार्ट करोगे और 50.5 तक जाएगा। अब 50.5 से लेके 60.5 तक आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 8। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, 8 आपका कहाँ लाइक कर रहा है? यहाँ। और ये जाएगा कहाँ तक? 60.5 तक। नेक्स्ट 60.5 से 70.5 तक आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 11। 11 आपका कहाँ लाई कर रहा है? 10 और 12 के मिड में। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, नेक्स्ट 70.5 से 80.5 तक आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 5 कहाँ लाई कर रहा है आपका? 4 और 6 के मिड में। आप यहां से स्टार्ट करोगे और ये यहां तक जाएगी। उसके बाद 80.5 से 90.5 तक आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 7। 7 कहां लाई कर रहा है? 6 और 8 के मिड में। आप यहीं से स्टार्ट करोगे उसके बाद 90.5 से 100.5 तक आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 4। आप यहीं से स्टार्ट करोगे और इसको यहां पर कंप्लीट करोगे। ये आपकी हिस्टोग्राम है। आई होप यू विल लर्न